हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम जल्द होगा, इसको देखते हुए मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डेली बेसिस से आपके सामने ला रही हूँ। आप डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। ये वीडियो सभी वीडियो केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम हर एक स्टेट के, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी यूपी, टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एनवीएस, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस वीडियो को देखें। अगर थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चैप्टर का थ्योरी सेशन डिटेल में दिया गया है, तो वहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, किस रक्त कोशिका में केंद्रिका नहीं होती? Which blood cells does not have a nucleus? तो न्यूक्लियस नहीं होती किसमें दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका में, यानी कि आरबीसी में। तो लाल रक्त कणिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रिका नहीं होती और लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम क्या करता है? जिसे हम डाइजेस्टिव बैग या डिस्पोजल बैग या एटम बम के नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम जो है कोशिका को सफाई का काम करता है, एंड तो कोशिका को मारने का काम करता है जो मृत कोशिका है। तो दोस्तों, लाइसोसोम नहीं होता है आरबीसी में, इसीलिए वो जाकर के कहाँ पे मरता है? स्प्लीन में, प्लीहा में। इसलिए रक्त का विस्तार बोला जाता है स्प्लीन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? विच इज द एसेंशियल प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग? तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों है, बट अति अनिवार्य की बात कह रहा है। तो फाइब्रिनोजन है जो एक जाल बना देता है, और उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एप्लेटलेट सभी उसमें फंसते जाते हैं और रक्त जम जाता है, उसी को रक्त क्लोटिंग कहते हैं। तो यहाँ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दोनों का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में, ये भी याद रखिएगा। रक्त जमने की बात करें अगर प्रोटीन में, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, रक्त कणिका में तो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, अगर बात करें खनिज लवण में तो कैल्शियम मदद करता है रक्त क्लोटिंग में, एंड विटामिन में विटामिन के मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की क्रियाओं का केंद्र स्थित है, वेयर इज द सेंटर ऑफ हार्ट एक्शन लोकेटेड? तो दोस्तों, हृदय की क्रियाओं का केंद्र क्या है, कहां से नियंत्रित होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सबको नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, जिसमें सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा है उसी में सभी क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो यहाँ पे आपका हृदय की क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? What is the highest percentage in human blood? तो यहाँ पे दोस्तों इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट दिया हुआ है। ये सभी भाग है श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का। तो यहाँ पे WBC दो प्रकार का होता है, एक कणिका युक्त यानी ग्रैनुलोसाइट और एक कणिका विहीन यानी कि जिसमें कणिका नहीं पाया जाता है, अग्रैनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो 75% सबसे ज्यादा होता है, जिसके अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स होता है, जिसमें से न्यूट्रोफिल्स जो होता है 60-70% पाया जाता है, बेसोफिल 1%, इओसिनोफिल 3%, लिम्फोसाइट 25% और मोनोसाइट 5% पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। कितनी किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। और न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? यह बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करता है। बैक्टीरिया से क्या करता है? जीवाणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया को फैगोसाइट बोला जाता है। एंड जो आपकी मोनोसाइट है, शरीर की सबसे बड़ी WBC कोशिका होती है,
और यह जीवाणुओं को बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है। और लिम्फोसाइट जो होता है वह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका होता है, 25% पाया जाता है। यह क्या करता है, यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को हमारे शरीर से बैक्टीरिया से रक्षा करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्यायाम के दौरान शरीर में कुल रक्त विवरण यानी हृदय निकास कितना होता है। व्हाट इज द टोटल ब्लड आउटपुट यानी कार्डियक आउटपुट इन द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट जब हम सामान्य अवस्था में रहते हैं तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है वह होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब हृदय का बायां निलय एक बार में रक्त को जितना शरीर की तरफ पंप करता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, वो होता है आपका 70 ml। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में जितना हृदय रक्त को शरीर की तरफ पंप करता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक बार में तो स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट में तो कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक मिनट में यानी कि कार्डियक आउटपुट व्यायाम के समय कितना होता है। तो साधारण रूप से अगर साधारण काम कर रहे हैं सिंपल में तो आपका कार्डियक आउटपुट 70 हार्ट रेट यानी कि जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है एंड हार्ट रेट जो होता है वो 72 होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 × 72 आप निकालेंगे तो आपका आएगा 5040 ml यानी कि 5.04 liter यानी कि 5 liter के लगभग। लेकिन जब व्यायाम करेंगे तो आपका हो जाएगा 2500 ml पर मिनट। कितना हो जाएगा, 2500 ml पर मिनट यानी कि 25 liter पर मिनट आपका हृदय रक्त करेगा, स्पीड से रक्त करने लगता है, तेजी से धड़कने लगता है। जैसे कि आपका हार्ट रेट जो होता है वह सामान्य परिस्थिति में 72 ms/min होता है, 72 bar/min। जब आप एक्सरसाइज या कोई क्रिया करते हैं तो 180 bar/min हो जाता है। अगर प्रशिक्षित खिलाड़ी है उस समय सामान्य स्थिति में 40 to 50 हार्ट बीट होता है, याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, द्रव ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। एंड रक्त का पीएच मान 7.34 से 7.45 तक होता है यानी कि क्षारीय होता है, हमारे शरीर में 5 to 6 liter पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है 2 to 5 days। कितना होता है, 2 to 5 days, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 to 5 days या 3 to 5 days भी हो सकता है। एंड आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का 120 days होता है, प्लेटलेट्स का 10 to 12 days होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा हृदय यानी कि हार्ट, जो है हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसके रुकने पर इंसान की मृत्यु हो जाएगी। प्रति मिनट 72 बार धड़कता है और कार्डियक आउटपुट 5 liter/min होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन है, द लार्जेस्ट सेल्स या कार्पल्स एमंग विच व्हाइट ब्लड कार्पल्स इज, तो वो होता है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी मोनोसाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन संबंधित है, विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, वो होता है आपका विटामिन के, आप सबको पता है यानी कि जिसको वसा में विलेय विटामिन है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, यह चोट पर रक्त थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसे रक्त स्राव रोधी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन है क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन इज एक प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है, तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। एंड 100 प्रति 100 ग्राम 100 एमएल रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने से एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है और रक्तता रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है, हाउ मच परसेंट इज वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। तो रक्त के प्लाज्मा में जो है दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है, तो रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है, कितना परसेंट होता है, 90% जल होता है, एंड 8% प्रोटीन होता है, एंड 0.9% नमक यानी साल्ट होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन होता है, एंड 0.1% कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसमें ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन जो 8% पाया जाता है, उसके अंतर्गत प्लाज्मा में प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रोनोजन। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है दोस्तों, यह पोषक तत्व, नमक, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को ऊतकों तक पहुंचाता है और वहां से बेकार पदार्थ को यूरिया, बेकार पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो है हमारे रक्त का 55% भाग होता है, जबकि ब्लड सेल्स यानी WBC, RBC, प्लेटलेट ये होता है 45% भाग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस भाग में जाकर छन जाती हैं, इन विच पार्ट ऑफ द ब्लड डू द इम्प्यूरिटीज गेट्स फिल्टर्ड। तो यहाँ पे किस में जाके फिल्टर होता है, तो यकृत में यानी किडनी में, किस में जाके फिल्टर होता है, इन द किडनी, किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें यह छनता है, किसमें, किडनी के ग्लोमेरुलस में ये क्या करता है, छनता है, यानी प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो है इसी कार्यात्मक रचनात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन का आरंभ जो है ग्लोमेरुलस में होता है, ग्लोमेरुलस एक निस्यंदक यानी कि फिल्टर के काम करता है, प्रति मिनट लगभग 1 लीटर रक्त में 500 ml प्लाज्मा होता है, इन ग्लोमेरुलस से गुजरता है और इसका लगभग 100 ml यानी 10% फिल्टर होता है, अब फिल्टरित प्लाज्मा में लवण, ग्लूकोज, अन्य सूक्ष्म तत्व विद्यमान होते हैं, जो कहाँ चले जाते हैं, धमनियों के माध्यम से हमारे रक्त में शरीर की कोशिकाओं तक जाते हैं, और जबकि जो बेकार पदार्थ होते हैं वो मूत्र यानी कि यूरिया, यूरिया में कन्वर्ट होकर के आता है हमारे शरीर के बाहर। एंड नेक्स्ट, इस प्रकार मूत्र का निर्माण करता है और शरीर की रक्त की अशुद्धियों को छानता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती है, हाउ मेनी हार्ट बीट्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी इन 1 मिनट। तो आप सबको पता है 72 मिनट होता है, जबकि एक्सरसाइज के समय 180 पर मिनट हो जाता है, जो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का 40 से 50 बीट पर मिनट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट आर कॉल्ड। तो थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स को बोला जाता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स जो रक्त कणिका होती हैं, RBC को हम एथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है, ए हेल्दी हार्ट वेट कितना होता है दोस्तों, तो 300 ग्राम होता है, जबकि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का 500 से 550 ग्राम हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, विच ग्रुप ऑफ ब्लड कैन बी गिवन टू ए पर्सन विच ग्रुप ए ब्लड। तो वो ग्रुप ए वाला ग्रुप ए वाले रक्त व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है,
तो ए वाला दे सकता है और एक स्वरदाता होता है ओ दे सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए तथा ओ ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। तो यहाँ पे आप ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको बी ए दे सकता है और ओ दे सकता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपको बी दे सकता है और ओ दे सकता है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप सबका ग्रहण कर सकते हैं, यानी सब ए बी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। और यदि आपका रक्त वर्ग ओ है तो आप सबको दे सकते हैं, यानी ओ सर्वदाता होता है। एंड नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना परसेंट होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। जैसा कि दोस्तों जो रक्त होता है दो प्रकार का है, एक प्लाज्मा जो द्रव भाग होता है पानी जैसा, एंड एक होता है ठोस भाग जो ब्लड सेल्स होता है। जो प्लाज्मा होता है पूरे रक्त का 55% भाग होता है, द्रवीय भाग होता है, तरल भाग होता है। जो ब्लड सेल्स होता है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, ये अक्सर पूरे रक्त का 45% भाग होता है। उसमें से भी जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका होता है, कुल रक्त का 40% होता है और रुधिराणु का आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का आपका होता है 99%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 99%। रुधिराणु का पूछेगा कितना परसेंट होता है आरबीसी, तो 99%, एंड कुल रक्त का तो 40%। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एनीमिया एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो ये होता है किसकी कमी से, तो यह होता है आपका विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसको इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबाल्बिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लौह तत्व की कमी होने वाला रोग है। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी इन द बॉडी। तो वो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि शरीर में जब रक्त की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्त की भी कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और इसमें होता है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है दोस्तों, हेमरेज में जो होता है कि रक्त जो है, हेमरेज में जो है रक्त, यदि रक्त शरीर के अंदर ही जम जाए, ये विटामिन के की कमी से होता है। यदि रक्त शरीर के अंदर ही जम गया अर्थात शरीर के नस में ही जम गया तो नस फटने लगता है, अर्थात पीछे से प्रेशर मारेगा धमनियों में या वाहिकाओं में ब्लड, तो उसको हमारा ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है 180 जाने का और 80 आने का होता है। तो पीछे से प्रेशर मारेगा और उसका प्रेशर वो सह नहीं पाएगा तो मार के फाड़ देगा उसको, और उसी नस को हम फट जाने, उसी नस के फट जाने को कहते हैं हेमरेज। यानी कि यदि रक्त अंदर ही नसों के अंदर ही जम गया तो वो जब रक्त प्रति सेकेंड हर पल रक्त प्रवाहित हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो जब अंदर कहीं भी जम जाएगा, आपके एक पाइप की समझ लीजिए, बीच में कोई चीज जम गया तो जब पानी उधर से आएगा तो प्रेशर मारेगा, उसी तरह रक्त जाएगा तो प्रेशर मारेगा, अगर उसको जगह नहीं मिलेगा तो फट जाएगा। ठीक है, उसी तरह नस फट जाएगा, उसी को हेमरेज कहते हैं। हेमरेज के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, अक्सर ये हमारे ब्रेन में ही होता है ज्यादा, क्योंकि ब्रेन की नसें बहुत पतली होती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हेमरेज से। एक होता है रक्त के संबंधित बीमारी जैसे कि हीमोफीलिया, ये अनुवांशिक बीमारी है। इसमें दोस्तों एक हिपेरिन होता है जो हमारे यकृत में निर्माण होता है, जो क्या कार्य करता है, हिपेरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, तरल अवस्था में रखता है।
हिपेरिन हवा के संपर्क में आने पर प्रवाहहीन हो जाता है और जो अन्य रक्त को जमाने वाले तत्व है वो एक्टिव हो जाते हैं जब हम कट जाते हैं तो। लेकिन हमारे शरीर के अंदर तरल अवस्था में रखता है कि शरीर के अंदर रक्त न जमने पाए, नहीं तो इंसान मर जाएगा। एंड एक अनुवांशिक बीमारी होता है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि हिपेरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी एक्टिव रहता है, यानी कटने के बाद भी नहीं जमने देता है और ब्लड रुकता ही नहीं है और मृत्यु हो जाती है। तो यह शुरुआत हुआ था इंग्लैंड की महारानी से। और जो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, ये सभी का निर्माण होता है यकृत में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है ये रक्त में पाए जाते हैं, यानी कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी का को कहते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं। एंड नेक्स्ट है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ द हार्ट दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी? यानी पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के कौन सा अंग होता है? वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाया निलय। बाया निलय से ही रक्त पंप होता है, जो एरोटा यानी महाधमनी के माध्यम से समस्त शरीर में पहुंचाया जाता है। तो बाया निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज, तो दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है? यह हार्ट मसल्स के द्वारा होता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ट मसल्स। ऑप्शन नंबर ए, हार्ट मसल्स हो जाएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वह जब बायां अलिंद जो होता है वह, यानी कि बाएं निलय जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन पर रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तब उस दौरान जो दाब धमनियों पर लगता है, पड़ता है, उसे रक्त दाब कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, बाएं निलय से संकुचन के दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है वह सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जो 0.3 सेकेंड समय लगता है, जो 120 mmHg होता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब बायां निलय पुनः प्रकुंचित होता है यानी कि शिथिलन अवस्था में आता है, तो रक्त उसमें भरने लगता है, उस दौरान जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, यानी कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80। इससे अधिक होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है, द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सप्लेन फ्रॉम द इन वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। तो वेंट्रिकल यानी कि निलय, यानी कि बाएं निलय की बात कह रहा है। तो वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रति मिनट की बात करता है, एक बार की बात करता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता, प्रति मिनट है तो कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो कौन सा होता है, अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकेगन स्थापित होता है, स्त्रावित होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाता है, और बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी रक्त शर्करा के स्तर को घटाता है। एंड डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन स्त्रावित होता है हार्मोन, जो इन दोनों के स्त्राव को कंट्रोल करता है, ग्लूकेगन और इंसुलिन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के आउटपुट का सामान्य ज्ञान होता है, व्हाट इज द कॉमन सेंस ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो कितना होता है आउटपुट, कार्डियक आउटपुट पर मिनट जो
हृदय के बाएं नीलर से रक्त शरीर के द्वारा पंप किया जाता है शरीर की तरफ, उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बार में रक्त जो हृदय द्वारा एक बार में एक धड़कन में रक्त को पंप करने की जो मात्रा होती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो 70 ml होता है। और एक मिनट में हार्ट रेट कितना होता है 72, तो 70 × 72 आप करेंगे तो 5.04 liter per minute आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। कार्डियक आउटपुट पर मिनट कितना होता है 5.04 per minute। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज इन द बॉडी। तो आर्टरीज यानी धमनियों का कार्य क्या होता है, तो यह हृदय से रक्त को ले जाता है। क्या करता है याद रखिएगा, हृदय में रहेगा तो सीधा रहेगा, यानी अशुद्ध रक्त को हृदय में यानी हृदय के दाएं अलिंद में लाता है। और जबकि धमनियां क्या करती है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से रक्त को समस्त शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। और सीरा क्या करता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है जो समस्त शरीर के अशुद्ध रक्त को ला करके हृदय के दाएं अलिंद में लाता है, फिर दाएं अलिंद से दाएं नीलय में जाता है, दाएं नीलय से पल्मोनरी धमनी के रास्ते अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों में एल्वोलाई में से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है जो बाहर निकल जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है। Which blood group is universal donor? तो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, मतलब सर्वदाता कौन है जो सभी को रक्त दे सकता है, वो होता है आपका ओ ग्रुप जो है सबको दे सकता है। और ए भी सर्वग्राही है यानी यूनिवर्सल रिसिपियंट है। ठीक है, अब ओ भी ओ पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा तो ओ नेगेटिव जो है आपका सर्वदाता होता है। सर्वदाता क्या होता है, ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता होता है। एक और एज फैक्टर होता है जिसकी खोज कार्ल स्टेनर ने 1940 में किया था, तो इसके बारे में आपको जानना है तो थ्योरी सेशन में जाइए और ब्लड क्लोटिंग वाले भाग को यानी कि ब्लड ग्रुप वाले वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है। What is the color of the blood found inside the artery? तो धमनी के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है वो लाल कलर का होता है यानी कि शुद्ध रक्त होता है, इसलिए लाल कलर का होता है। धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और सीरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, बट अपवाद क्या है कि पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा, जो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए जाती है। धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन याद रखिएगा उसका अपवाद है कि पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है। इंक्रीज इन यूरिया इन ब्लड इज कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर विच ऑफ विच ऑर्गन, तो वो होता है आपका किडनी में अगर विकार हो जाएगा तो रक्त में यूरिया की वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रक्त को छानने का काम करता है किडनी, और जब छानेगा ही नहीं तो उसके साथ यूरिया भी चला जाएगा। रक्त को छानता है तो शुद्ध रक्त जाता है, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं रक्त के साथ जाते हैं, और जो बेकार पदार्थ होते हैं वो यूरिन यानी कि मूत्र बन करके शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी यूरिया का निर्माण भी करता है और रक्त से अशुद्धियों को फिल्टर भी करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस पे बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।